उज्जैन में करीब एक हफ्ते पहले भी वन्य जीव की तस्करी का मामला सामने आया था, जिसमें दो मुंह के सांप और गोल्डन उल्लू को पुलिस ने जब्त किया था। आज एक बार फिर पवासा पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर निमनवासा क्षेत्र में रहने वाले अरुण सिंह मोंगिया के घर पर दबिश दी, तो उसके घर से दो मुंह का सांप बरामद किया है। पुलिस की माने तो दो मुंह के सांप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत मानी जाती है। वहीं इस तरह के वन्य जीव का उज्जैन में मिलना है, बता रहा है कि उज्जैन वन्य जीवों की तस्करी का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने अरुण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और इस बारे में विभाग को भी सूचना दे दी गई है। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट। देखिए, पवासा में जो दोमुहा सांप पकड़ाया है, सूचना मिली थी कि वहां पे किसी व्यक्ति ने अपने प्राइवेट घर में दोमुहा सांप पाला। सूचना तत्काल मिलने के बाद पवासा की पूरी टीम, पुलिस की टीम ने वहाँ पर जाके सर्चिंग किया। सर्चिंग में दोहा सांप मिला था। उसको रात लेट नाइट की बात है, उसको पकड़ करके थाने में सुरक्षा से रखा गया। सुबह वन विभाग की पूरी टीम को विधिवत खबर दिया गया है। वन विभाग की टीम पहुँच गई है थाने में, विधिवत जब्ती कर उस पर कार्रवाई कर रही है, जिसको हमने सुपुर्द किया।